अब तो श्री बाबा मस्तनाथ को उस सामंत शिकारी पर बहुत दया आई। उसे अपने चरणों में से हाथ पकड़ कर उठाते हैं, कहते हैं कि बच्चा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अनजान थे, दुखी मत हो। तो सामंत कहता है कि नाथ, यदि आपने वास्तव में मुझे क्षमा कर दिया है तो कृपा करके आप मुझे एक तो अपना सूक्ष्म सा परिचय देने का अनुग्रह करें और फिर मुझे भक्ति मार्ग का ऐसा उपदेश व ज्ञान दीजिए जिससे मेरे इस जीवन का भी कल्याण हो और मुझे मुक्ति मार्ग भी प्राप्त हो। तो प्रेमियों, सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ उस सामंत शिकारी को अपना परिचय देते हुए और भक्ति मार्ग का उपदेश देते हुए क्या कहते हैं? हो लिया पास बैठा दुखी जान, ज्ञान की बात कहने लाग्या। छंदर नाथ उनके शिष्य गोरखनाथ, तीजे हैं जलंधर नाथ काणी पावर गोपी चंद, श्री भरत री करे हैं साथ। काणी पावर गोपी चंद श्री भरत री करे हैं साथ। पूरण मल चोरंगी नाथ ओघड़ नाथ कर ले ध्यान, मस्त नाथ मैं हूँ नो माँ, नो नाथों की गिनती जान। गोरख का अवतार हूँ मैं, नाथ की कर ले पहचान। गोरख का अवतार हूँ मैं, नाथ की कर ले पहचान। हो मत होवे घना लाचार, धार जल क्यों नैन बहन लाग्या। हो लिया पास बैठा दुख जान, ज्ञान की बात कहने लाग्या। हाँ काम क्रोध मद लोभ और मोह और अहंकार, विकारों में बुद्धि बिगड़ी जीव तृष्णा बस बेकार। शुद्ध बुद्ध चेतन ब्रह्म था पर माया ने कर दिया लाचार। शुद्ध बुद्ध चेतन ब्रह्म था पर माया ने कर दिया लाचार। 2500 का चक्कर पड़ गया जाने भूल के बना गंवार। गगन वायु अग्नि पानी पांचवी धरती ने मान,
पांचों से कलपूत बना जगत का सुन ले परमान। पांचों से कलपूत बना जगत का सुन ले परमान। हो भूल में फूल रहा इंसान रे इंसान, जान बूझ फंद में फहन लाग्या। ओ लिया पास बठा दुख जान, ज्ञान की बात कहन लाग्या। माया का जंजाल हो गया, सपने को सच जान फसिया, अदल बदल ख्याल हो गया। ईश्वर का है अंश जीव रेते के मलाल हो गया। ईश्वर का है अंश जीव रेते के मलाल हो गया। दस इंद्री के चौदह स्वामी विषय वासना कोचह में, दरवाजे पे चौकी बैठी विषयों की जो आंधी ठावे, खोल दे किवाड़ बर बस जीव की न पार बसावे। खोल दे किवाड़ बर बस जीव की न पार बसावे। ओ भुलावे तेरा पुरातन ज्ञान रे, ज्ञान कान कर चुप क्यों रहने लाग्या।